हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ केतुल पटेल और आज हम खेलने वाले हैं GTA 5 एज अ कॉप। तो मैंने LSPDR इंस्टॉल कर दी है, तो चलिए कुछ पुलिस गिरी कर देते हैं लॉस सेंटोस में। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ लॉस सेंटोस शेरिफ पुलिस स्टेशन में और जाके अपने ऑन ड्यूटी होते हैं, वर्दी वर्दी पहन लेते हैं। तो यार हमने वर्दी वर्दी तो पहन ली है और अभी गाड़ी में बैठ के चलते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, देखते हैं कौन से केसेस मिलते हैं आज, कौन से कॉल्स मिलते हैं डिस्पैच से। तो चलिए कार में बैठते हैं पहले। तो फिलहाल आज हम इस कार में पेट्रोलिंग करने वाले हैं। कार तो बहुत अच्छी दिख रही है, कोई बात नहीं, चलो बैठते हैं कार में और पेट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं। और ये पहला ही कॉल हमको मिल चुका है। तो चलते हैं, फाइटिंग इन प्रोग्रेस का कॉल है, तो जल्दी से लोकेशन पे पहुंचते हैं। सायरन वगैरह हमने ऑन कर लिया है। और यार कार की पिकअप तो बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हो, हैंडलिंग भी बहुत बढ़िया है। तो चलिए पहले पहुंचते हैं लोकेशन पे और देखते हैं कि फाइटिंग किस वजह से हो रही है। तो यार कार भगाते भगाते मैं पहुंच चुका हूँ लोकेशन पे और अभी सामने ही हो रही है फाइटिंग, तो अभी देखते हैं। अच्छा, दो लोग लड़ रहे हैं, तो अभी इनको बाहर निकलते हैं और इनके साथ बात करते हैं और इनको रोकते हैं। पहले लोकल यूनिट बुला लेते हैं, डिस्पैच एक लोकल यूनिट भेज दो यार, क्योंकि चाहिए होगा। वैसे तो हम अकेले ही हैंडल कर लेते हैं, बट दो जन है तो एक भाग जाएगा। यार भाई गन ले ले हाथ में, रुकिए यार, रुकिए रुकिए मैडम रुकिए, इसको टेज करना ही पड़ेगा। और ये टेज कर लिया, बोला था यार रुक जा। अब इसको रोकते हैं, दूसरा तो भाग गया है, अभी तक यूनिट आई नहीं है। मैडम चलिए जमीन पे। तो यार एक को तो हमने पकड़ लिया है, तो और दूसरा मैप में दिख तो रहा है, बट कोई नहीं, अभी इस मैडम को ही पकड़ लिए, मैडम को ही पूछ लेंगे हम कि कौन था वगैरह। और इसके लिए ट्रांसपोर्ट यूनिट भी मंगवा देते हैं। और मैडम आप जाइए यहाँ से। तो यार उसको ढूंढते, अगर वो मिल जाएगा तो ठीक है, वरना फिर इस मैडम को पुलिस स्टेशन में पूछ लेंगे कि कौन था वो, क्योंकि वही जगड़ रही थी तो उसको पता ही होगा। तो यार फिलहाल उसको होना तो यहीं कहीं चाहिए, पर दिख नहीं रहा है। और भाई ये कैसे गाड़ी चला रहा है? अभी इसको पकड़ते हैं, उसको छोड़ो, अभी इसको पकड़ते हैं। ये रेड डॉट भी आ चुका है, तो अभी इसको फिलहाल पकड़ते हैं। भाई रुक, मतलब यार कुछ अलग ही फॉर्म में ये लोग गाड़ी चला लेते हैं। अभी इसको रोकते हैं और डिस्पैच को यूनिट तो भेज दो मदद के लिए। कोई नहीं, हम यूनिट बुला लेंगे अभी इसके लिए, और डिस्पैच यूनिट भेज दो। ओह शिट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नुकसान नहीं करना आपको गवर्नमेंट का, कोई बात नहीं। चलो इसको पकड़ते हैं पहले। रुक भाई रुक यार, ये एयरपोर्ट वाला रोड है, ये सामने नहीं जाना चाहिए। रुक जा भाई। अरे 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 अरे, ये कहाँ? और अपनी कार देखो, अब ये नहीं भाग सकता, कोई बात नहीं, इसको पकड़ते हैं। अभी पीछे भी अपना साथ ही आ चुका है, कोई नहीं, चलो इसको गाड़ी से उतारते हैं। और इसने तो टेज भी कर लिया इसको, कोई बात नहीं भाई, रहने दे, मार मत उसको। तो चलो इसको अभी गिरफ्तार करते हैं, और इसके लिए भी लोकल यूनिट मतलब ट्रांसपोर्ट बुला के इसको भी जेल डाल देंगे यार। पहले गाड़ी टो करवा लेते हैं, तो डिस्पैच एक टो वैन चाहिए छोटी सी, तो इसने ही उसको हथकड़ी बना लिया। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तो अभी इसको तो हम जेल भेज देंगे, डिस्पैच ट्रांसपोर्ट यूनिट भेजो इसके लिए, शायद यही लेके जाएगा उसको। हाँ यही लेके जाएगा, बट ये लेके कैसे जाएगा, इसकी कार तो उल्टी हो चुकी है सामने। कोई बात नहीं, हम अपनी गाड़ी से एक बार धक्का मार के देखते हैं, अगर स्ट्रेट हो जाए उसकी कार, वरना वो ही देख लेगा यार बाकी कोई बैकअप बुला के।
नहीं हो रही, कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं, वो देख लेगा अपने तरीके से। तो अभी साइरन वायरन बंद करके फिर से चलते हैं पेट्रोलिंग पे और देखते हैं अगर कोई कॉल्स मिलते हैं या फिर रोड स्टॉप करता है किसी को लाइसेंस वगैरह के लिए या स्पीडिंग के लिए। यार फिलहाल कार देख सकते हो, कार तो बहुत बढ़िया है भाई। ये क्यों बीच में घुस रहा है? चलो इसका प्लेट चेक करते हैं, डिस्प्ले प्लेट चेक करो इसका। लाइसेंस प्लेट वैसे तो कोई फोर इसका बता वन नहीं रहा है नोआ रिकॉर्ड, कोई बात किंग नहीं, चलो इसको एडवर्ड जाने देते हैं, सेवन सेवन टू शायद लैंड चेंज टारगेट कर ली इज होगी उसने। टेन कोई फोर बात नहीं, चलो अपने चलते हैं, पेट्रोलिंग कंटिन्यू रखते हैं। तो यार कार का इंटीरियर देखते हैं, तो यहाँ पे एक कंप्यूटर स्क्रीन है पैनासोनिक की और सिस्टम लगी हुई है, अपनी हेड पड़ी है सामने। इंटीरियर अच्छा है, बुरा नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए अपने पेट्रोलिंग चालू रखते हैं। यार ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा गैंगस्टर से भरा हुआ एरिया है, तो यहाँ पे मतलब रैंडमली फायर नहीं कर सकते। मैं अभी इन सबको रोक तो लूँगा, चलो इनसे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे खुलेआम शराब पी लेते हैं। मैंने बोला ये गैंगस्टर एरिया है, कोई नहीं, कार पार्क करते हैं और इनको फिर इनसे पूछते कि ये क्या कर रहे हैं और इनको यहाँ से भगाते हैं। यहाँ पे मैं अभी फायर नहीं करूँगा, पहले इसको एक लोकल पेट्रोल अपनी लोकल यूनिट बुला लेते हैं, क्योंकि मेरे को चाहिए होगा, क्योंकि इनके पास हर किसी के पास गन रहती है, तो ये कभी भी फायर कर देते हैं। तो अपने भी एक गन हाथ में ही रखेंगे, क्योंकि ये कभी भी फायर कर लेते हैं। तो इनको जाके रोकते हैं, और अपना एक बैकअप यूनिट भी आ रहा है। और ये क्या कॉल मिल गया आपको? बट यार ये पैट वैट के कॉल हम नहीं करेंगे, क्योंकि यार पैट थोड़ी ढूंढेंगे, और दूसरे यूनिट किसी और को दे देगा कॉल डिस्पैच। तो यार भाई लोग क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, ऐसे खुलेआम शराब पी रहे हो तुम लोग? पहले चेक करते हैं इनके पास, मतलब पूछते हैं इनके पास क्या, मतलब ये क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं? फ्रॉम हेल और नन ऑफ द बिजनेस। हाँ भाई कोई बात नहीं, चल निकल यहाँ से, अभी ज़्यादा शानपत्ती मत कर वरना अभी जेल में डाल दूंगा तेरे को मैं। कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं तू जा यहाँ से, यहाँ पे खड़ा मत रह। और ये जो भाई शराब पी रहे थे वो तो आज जेल में ही जाएंगे शायद। तो भाई तुमको तो अरेस्ट। और ये क्या हुआ भाई, ये किस पे गोली चला रहा है? जो सामने कोई है उसको पकड़ते हैं, पहले इसको जाने देते हैं, अभी उसको पकड़ते हैं। भाई रुक, भाई बड़ा तेज भाग रहा है, इसको फायर करना पड़ेगा वरना ये नहीं रुकेगा और ये एस्केप हो जाएगा। वैसे ये अपना कॉल है नहीं, बट हम पुलिस वाले हैं तो ऐसे किसी क्रिमिनल को भागने भी नहीं दे सकते, तो इसको पकड़ेंगे हम आज। और भाई भाई डिस्पैच, मतलब ये कैसे भी गाड़ी चलाते हैं यहाँ के लोग, अपने पुलिस वाले भी कैसे ही चलाते। कोई बात नहीं यार, पहले इसको पकड़ते, अगर ये नहीं रुका तो फायर करेंगे। भाई रुक जा रुक जा, बोला था रुक। अभी भी भाई इसको गोली लगने के बाद भी ये इतना भाग रहा है, और यहाँ पे पब्लिक भी है, मुझे डर लग रहा है किसी और को ना लग जाए। रुक भाई रुक 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 रुक, पैर में गोली मारता हूँ। हाँ देखो तो भी भाग रहा है भाई ये। रुक जा भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, भाग मत वरना अभी सर पे गोली खाएगा। तो अभी तो ये रुक चुका है, रुक भाई, अभी इसको अरेस्ट करते हैं और इसको इसके लिए ट्रांसपोर्ट यूनिट मंगवा लेते हैं। वैसे अपना कॉल था नहीं, पर अभी अरेस्ट भी हमने ही किया है, तो इसको ट्रांसपोर्ट यूनिट भी हम मंगवा लेंगे, इनमें से ही कोई एक ले जाएगा यहाँ से इसको। यार यहाँ पे ट्रेन वगैरह का बहुत मतलब इतना आवाज़ आता है ना, तो डिस्पैच एक ट्रांसपोर्ट यूनिट भेज दो इसके लिए। चलो अपने चलते, ये लोग अभी इसको संभालेंगे, अपनी कार भी बहुत दूर है, तो भागते भागते पहुंच जाते हैं कार के साथ। तो यार यहाँ पे मतलब मैं ऐसे ही फायर नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे ना सभी लोग गन निकाल के अपने से फायर करने लगते हैं, और अभी हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं है। अभी नए वीडियोस में मैं मतलब कपड़े भी इसके कुछ अलग अच्छे वाले लाएंगे। फिलहाल अपनी कार में बैठ के चलते हैं,
और यहाँ पे कभी हम आएंगे फुल यूनिट लेके आएंगे, मतलब अपना फुल बैकअप यूनिट्स, नोस टीम्स, वॉट टीम्स रख लेके आएंगे, और ये पूरे गैंगस्टर यहाँ पे जितने भी गैंग मेंबर्स हैं सबको पकड़ के लेके जाएंगे। अभी हम यहाँ पे प्लानिंग से आएंगे और पूरी बैकअप के साथ आएंगे। तो फिलहाल तो यहाँ से चलते हैं, अभी इनको कुछ बोलना नहीं है। अभी देखते हैं कोई कॉल वॉल मिलता है कि नहीं। यार मतलब इसमें कॉल से ज़्यादा है ना ट्रैफिक स्टॉप जो करना था ना उसमें ज़्यादा मज़ा आती है। कोई बात नहीं, चलो चलते आगे और देखते हैं अगर कोई क्राइम हो रहा है या फिर कोई कॉल मिल रहे हैं कि नहीं। और ये क्या भाई, और एक गैंग मेंबर है शायद। हाँ वो सामने भाग रहा है, उसको भी पकड़ते हैं। अपना कॉल नहीं है बट तो भी पकड़ लेते हैं। वैसे भी अभी हम कोई कॉल पे तो है ही नहीं। भाई ये क्या कर रहा है, रुक रुक भाई रुक जा यार, फालतू में गोली खाएगा या फिर कार से टक्कर। हाँ रुक रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई। और अरे यार ये दूसरे किसी को गोली लग गया, इसके लिए अभी हम एक एम्बुलेंस मंगवा लेंगे। यार सॉरी ब्रो रुको, हम इसके लिए एम्बुलेंस मंगवा लेते, पहले उसको पकड़ लेते हैं। यार एक एम्बुलेंस भेजो, रुक भाई रुक 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 जा, तो रुक जा। हाथ ऊपर नीचे जमीन पे लेट। तो यार पहले ही रुक गया होता तो उसको गोली ना लगती। कोई बात नहीं, चलो इसको अरेस्ट करते, और इसके लिए एक लोकल ट्रांसपोर्ट यूनिट डिस्पैच, एक ट्रांसपोर्ट यूनिट भेजो, और उसके पहले इसको चेक करते हैं कि इसके पास कोई इलीगल वेपन वगैरह तो नहीं है ना, क्योंकि यार ये ट्रांसपोर्ट करते टाइम इन लोगों को हम ले जाते ना, ये कभी भी मार सकते हैं। उससे अच्छा पहले इनको ही चेक कर लो। तो आप देख सकते हो इनके पास ड्रग वगैरह तो हमेशा रहते हैं, कोई इलीगल आर्म्स वगैरह कुछ है नहीं, तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट यूनिट मंगवा लेते हैं। और एम्बुलेंस भी आ चुकी है। ठीक, क्या कर रही है एम्बुलेंस वाला? डिस्पैच ट्रांसपोर्ट यूनिट भेज रहा है। हाँ ट्रांसपोर्ट यूनिट आ गई है, तो अभी ट्रांसपोर्ट यूनिट इसका ध्यान रखेगी। अभी हम चलते हैं उस बंदे के पास और देखते हैं उसको एम्बुलेंस वालों ने। ठीक है भाई, एम्बुलेंस वाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, वहाँ पे पड़ा है वो बंदा। कोई बात नहीं, एक और एम्बुलेंस मंगवा लेते हैं। डिस्पैच एक एम्बुलेंस भेजो यहाँ पे। नो स्टिंग नहीं भाई एम्बुलेंस। हाँ और एक और क्राइम रिपोर्ट हो रहा है, अब पहले इसके लिए एम्बुलेंस मंगवाते हैं फिर जाते हैं। अभी कार में बैठ के देखते हैं। अच्छा इसके लिए एम्बुलेंस तो आ गई है, अभी वो उसका ध्यान रखेगी। और ये सामने से नोस टीम आ गई है, जब गलती से मंगवा लिया था। कोई बात नहीं, वो चली जाएगी अपने आप। तो यार फिलहाल मैप में ये दो कार के बारे में कुछ आ रहा है, तो इसको ही रोकते हैं अभी जो अपने सामने है उसको। डिस्पैच इसका प्लेट चेक करो, देखते हैं अगर कुछ सस्पिशियस मिला तो इसको रोकेंगे वरना इसको जाने देंगे। टारगेट व्हीकल लाइसेंस प्लेट वैसा कुछ दिख तो एट नहीं रहा है, फाइव बट वो कार रॉबर्ट थोड़ी विक्टर टेढ़ी मेढ़ी क्वीन चला रहा है, शायद टू इसने एट ड्रग्स जीरो भी टारगेट कर रखे हैं या फिर इज दारू भी रखी है। कोई बात नहीं, इसको रोकते हैं और इसको चेक करते हैं, इसने अगर ड्रग्स वगैरह लिया होगा तो इसको जेल भेजेंगे, और अगर कुछ नहीं होगा तो इसको जाने देंगे। भाई रोक ले गाड़ी, चल अपनी साइड में। इसने गाड़ी तो रोक दी है फिलहाल, अभी उतर के इसका लाइसेंस वगैरह चेक करते हैं और देखते हैं इसने ड्रग्स या अल्कोहल कुछ पी रखा है कि नहीं। सर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे हमको, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस। हाँ देखा, जैसे हमने बोला था ना इसने शायद ड्रग्स कर रखा है। कोई बात नहीं, इसको हम पूछते हैं कि इसने अल्कोहल वगैरह या फिर ड्रग्स वगैरह कुछ ले रखा है। सर आपने शराब वराब पी रखी है क्या?
नहीं पी है ऐसा बोल रहा है. कपल ऑफ आई हैड कपल ऑफ बियर्स. ओके, बियर पी रखी और ड्रग्स नहीं पी रखे. कोई बात नहीं सर, तो भी आपको हमको अल्कोहल टेस्ट और ड्रग टेस्ट करना पड़ेगा. पहले हम आपका अल्कोहल टेस्ट कर रहे हैं, इसमें आपका सैंपल दीजिए. थैंक यू. तो यार इसने अल्कोहल तो एक लेवल से कम पी रखी है, बट फिर भी कोई बात नहीं. अभी हम ड्रग टेस्ट करके देखते हैं, अगर इसने ड्रग ले रखा होगा तो हम इसको जेल में डाल देंगे. सर आपका ड्रग टेस्ट हो रहा है, इसमें सैंपल दे दीजिए. अगर ड्रग्स पी रखे होंगे तो आज ये जेल जाएगा. हाँ देखा, जैसे इसने मतलब मैरुआना ले रखा है, तो अभी इसको हम गाड़ी से उतारेंगे. सर गाड़ी से नीचे उतरो और इसको चेक करेंगे, और फिर इसको हम अरेस्ट करके ट्रांसपोर्ट यूनिट मंगवा देंगे. इसके लिए पहले इसको चेक करेंगे. सर घूम जाइए पीछे. यार इन सब के पास है ना रिवॉल्वर विवॉल्वर सब रहता ही है, तो मैं उससे अच्छा चेक कर लो एक बार. अ हैंड गन और ड्रग्स का बैग. कोई नहीं, इसके हैंड गन वगैरह ले लेते हैं हम, और इसको अरेस्ट करके इसके लिए ट्रांसपोर्ट यूनिट मंगवा लेते हैं और इसको जेल भेजते हैं आज. You are under तो सर आज आप अरेस्ट होके जेल जा रहे हो. घूम जाइए पीछे. तो यूनिट इसके लिए एक ट्रांसपोर्ट यूनिट भेज दो, और इसकी कार को भी हम टो करवा लेते हैं एक, और हमको स्मॉल टो ट्रक भी चाहिए. और जब तक ट्रांसपोर्ट यूनिट और टो ट्रक आ रहे हैं, इसके लिए हम एक केस बना लेते हैं. तो ये रहा इसका नाम और अरेस्ट वारंट इसके लिए क्रिएट करें. ड्रग्स मैरिजुआना. हाँ, और हम जाएंगे. इलीगल फायर आर्म्स भी उसके पास थे, और हम नोट में लिख देंगे कि उसके पास एक हैंडगन थी. एंटर. तो और ये केस हम सबमिट कर देंगे. तो इसका केस अब जनरेट हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे. तो फिलहाल इसका केस जनरेट हो गया, अभी देखते हैं ट्रांसपोर्ट यूनिट कहाँ पे पहुँची है. यार फिलहाल ट्रांसपोर्ट यूनिट और टो ट्रक दोनों आ चुके हैं, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से. अभी इनका इसका क्या लिख दो, ये यूनिट रख देगी. तो यार चलिए अभी हम निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं कि कोई और केसेस मिलता है कि नहीं. मॉल वगैरह मिलता है या नहीं. ये लोग क्या कर रहे हैं, बात नहीं. चलो और यार यहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस रात को सबसे ज़्यादा चलता है. तो अभी इसको पूछते ही ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे. अगर ये प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होगी तो इसको हम जेल भेज देंगे, वरना फिर उसको वार्निंग दे के जाने देंगे. रुको मैडम, आप बोलो यहाँ पे क्या कर रही हो. मैडम आप यहाँ पे क्या कर रही हो. अच्छा फ्रेश एयर. अभी इसको चेक करते हैं कि इसके पास कुछ इलीगल वगैरह है नहीं. अगर कुछ इलीगल होगा तो ये पक्का जेल जाएगी, वरना वार्निंग के साथ छूटेगी. देखते हैं अभी इसके पास कुछ है या नहीं. ग्रेनेड, मतलब इलीगल फायर आर्म्स लेके घूम रही है रात को. मतलब इसको अभी अरेस्ट करेंगे हम. मैडम को चाहिए. तो यार ये मतलब मैंने बोला ना यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, इसके पास ग्रेनेड भी है. तो अभी इसके पास दो केस लगेंगे, एक प्रोस्टिट्यूशन का और एक ग्रेनेड का. और ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे भाई. इसको पहले हम बोलते हैं यहाँ से जाओ, इन्वेस्टिगेशन में बीच में परेशान मत करो. सर यहाँ से जाइए, इन्वेस्टिगेशन में परेशान मत कीजिए. और अभी इसके लिए हम एक ट्रांसपोर्ट यूनिट भी मंगवा देते हैं, और फिर और पहले इसका आईडी वगैरह चेक करवा लेते हैं कि इसके भी खिलाफ कोई क्राइम पहले से रजिस्टर्ड है. नहीं है, कोई बात नहीं. इसके लिए एक ट्रांसपोर्ट यूनिट मंगवा लेते हैं, और इसका केस हम अभी रजिस्टर कर लेंगे अपने कंप्यूटर में. तो जब तक ट्रांसपोर्ट यूनिट आता है तब तक हम केस रजिस्टर कर लेते हैं. तो ये लास्ट वाला उसका नेम है, और जाते हैं अरेस्ट रिपोर्ट क्रिएट करते हैं. पहले ड्रग तो नहीं, हाँ
फायर आर्म, इलीगल फायर आर्म इसके पास है, और नॉन वायलेंट क्राइम महंगा, एंगेजिंग प्रोस्टिट्यूशन, तो ये दोनों चार्जेस हम उसके खिलाफ लगाते हैं और अभी वेट करते हैं ट्रांसपोर्ट यूनिट आने तक का। तो फिलहाल ट्रांसपोर्ट यूनिट तो अभी आ जाएगा यहीं पे। वेट करते हैं जब तक ट्रांसपोर्ट यूनिट ना आए यहीं कहीं पे। अच्छा ये रहा ट्रांसपोर्ट यूनिट। यार यहाँ पे जगह है, वहां पे कौन गाड़ी रोकता है? किसी ने ठोक दी भाई, कौन है ये? मैडम आप इसका ध्यान रखिए, मैं कार को देखता हूँ। रुक भाई रुक रुक भाई, क्या क्यों क्यों ठोकते? और वैसे भी इसने गाड़ी भी बीच में खड़ी कर दी, कोई बात नहीं, गाड़ी को साइड में ले जाते हैं। और मैडम मैं कार वहाँ पे ही ला रहा हूँ, यार मैं कार यहाँ पे ला रहा हूँ, ये कहाँ पे वहाँ पे जा रही है? कोई बात नहीं, तो अभी इसको तो यहाँ पे वापस वो आना ही पड़ेगा उसको लेने के लिए। मैडम यहाँ पे है कार, रुको भाई रुको। अच्छा हाँ मैडम वापस आ रही। तो यार चलिए यहाँ पे ये वीडियो को ख़त्म करते हैं, और ये था वीडियो आज का। अगर पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बताना कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाता रहूँगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।